हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी का सीन ये है, मैं ये नई लाइट्स लेके आया जो कि मैं अब नए सेटअप में लगाऊंगा। मेरे इससे काफ़ी ज़्यादा उजाला था, जो कि 36 वॉट की है। 36 की है ना? हाँ 36 वॉट की है। जो मैं यूजली ये लैंप यूज़ करता हूँ, ये वाले, ये 9 वॉट का है। तो इससे मतलब लाइट अच्छी नहीं आती, शेडो आती है मेरी वीडियोज़ में, आपने देखा होगा ड्राइंग वाली वीडियोज़ में। तो इससे बिल्कुल भी शेडो नहीं आ रही, तो इसको बिल्कुल विंडो के ऊपर लगाएंगे और फिर दिखाऊंगा आपको कितनी मस्त इससे लाइट आ रही है। और इसको सेटअप करेंगे हमारे पापा जी। पापा जी को मतलब पूरा आता है लाइट वाइट का काम सेट करना, ये सारे बल्ब वल्ब ये सब कुछ पापा जी ने लगाए हैं। ये 36 वॉट की लाइट लगाने के बाद मुझे किसी भी तरह के लैंप की या फिर किसी भी तरह के लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि काफ़ी सही है। बस इसको ऑन किया और अपनी वीडियो बनाई, कोई भी मुझे व्लॉग बनाना हो कमरे में, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इससे जितनी अभी रोशनी आ रही है ना, इससे डबल रोशनी आती है इससे। सही फिट आ रही है, तो यहाँ से नीचे की तरफ लाइट बिल्कुल सही आई। तो गाइस लाइट तो लगा दी है और अब कमरा देखो पूरा जगमगा रहा है, बिल्कुल भी कहीं भी लाइट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सब कुछ। अगर मैं वीडियो बनाऊँ इस तरह से, व्लॉग बनाऊँ, कुछ भी करूँ, तो बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग किस तरह से लग रही है यहाँ पे। सो गाइस ये है मेरा ड्राइंग टेबल और ये ड्राइंग मैं बना रहा हूँ प्यूडीपाई वाली, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, और यहाँ पे लगाई है लाइट्स, तो वो लाइट्स लगी हैं। और अभी देखो सिंपल ये वाली लाइट जली हुई है और इससे थोड़ा रूम इस तरह का लग रहा है अभी फ़िलहाल। और अब मैं ये लाइट ऑन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। तो गाइस ये देखो मतलब पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लियरली दिख रहा है अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो। अब मैं एक बार वो वाली लाइट बंद करता हूँ, तो ये लाइट बंद करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो टेबल पर चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तो टेबल पर तो बिल्कुल अच्छे से टेबल जगमगा चुका है। यूजली मैं अपनी वीडियोज़ कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ, एक लैंप यहाँ पर जला दिया और ऐसे भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो अपोजिट साइड में जो शेडो है, जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक शेडो सी आ रही है हाथ की, या फिर पेंसिल रखूँगा पेंसिल की आएगी, तो वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती वीडियो में। बट अगर मैं ये लाइट ऑन करूँ तो इसमें आप गाइस देख सकते हैं, अगर मैं इस लैम्प को भी ऑफ़ कर दूँ तो ये लैम्प मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस बिल्कुल भी शेडो नहीं, हल्की सी शेडो है जो कि वीडियो में थोड़ी बहुत सही लगेगी। फिलहाल तो आपको ड्राइंग काफ़ी लाइट सी लग रही होगी बिकॉज अभी ISO बढ़ा रखा है, बट अभी मैं जब शूट करता हूँ तो अच्छे से सेट करता हूँ सेटिंग वगैरह, फिर जो शेडिंग है वो काफ़ी अच्छी दिखती है। बाय द वे बस यही रीज़न था कि मैंने ये लाइट बाय की, और टेबल पर कुछ भी मुझे आपको दिखाना हो तो काफ़ी अच्छे से दिखा सकता हूँ, क्लियरली बिल्कुल लाइट अच्छे से आ रही है। सो गाइस आप सोच रहे हो कि मेरे पास 2 लैंप हैं फिर भी मैंने ये लाइट क्यों ली, बिकॉज इनसे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी, जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो सभी मैंने एंड में बनाई है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ तो मान लो इस साइड में मेरा लैंप है, तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट साइड में बहुत ही ज़्यादा डार्क शेडो बनती है, जो कि वीडियो में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बट जो मैंने ये लाइट्स ली हैं, इनमें बिल्कुल भी शेडो नहीं बन रही, हल्की फुल्की शेडो दिखती है इस लाइट में, बट वो तो कोई बात नहीं, बट लैंप में काफ़ी डार्क डार्क शेडो दिखती थी, इसलिए मेरे को सोचा ये लाइट लेनी चाहिए। मुझे 500 समथिंग की पड़ी, 36 वॉट की। एनीवेज गाइस फिलहाल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यही प्यूडीपाई वाली ड्राइंग, तो मैं इस पर कैमरा लगाता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ और देखते हैं कब तक कंप्लीट हो पाती है। फिलहाल ऐसा नहीं कि आज रात भर कंप्लीट करनी है, जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं बनाऊंगा। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है तो अभी 11 बज रही है, तो देखते हैं कब तक मैं इसको बनाता हूँ और कितनी कंप्लीट होती है, अदरवाइज कल स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी दिनों के व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रहा, ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा, एक्चुअली थोड़ी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है मेरी, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं आ पा रही, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आ पा रही। बट गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस बनाने की, अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मेरे माइंड में हैं जो कि मैं जल्दी ही बनाऊंगा। तो चलो अभी वर्क कंटिन्यू करते हैं।
फिलहाल गाइस जो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है और मैं खा रहा हूँ अभी कीवी, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है, तो बीच में ब्रेक ले सकते हैं और साथ में कुछ खा लोगे तो और सही रहेगा, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। 20 मिनट्स लेटर। सो गाइस फाइनली प्यूडीपाई वाली ड्रॉइंग कम्प्लीट हो चुकी है जो कि मैंने बनाई है A3 साइज पे। तो अभी तो सामने से लाइट आ रही है इसलिए थोड़ा सा शाइन दिख रहा है, बट ड्रॉ करते हुए तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से शेडिंग वगैरह की है मैंने। तो बताना लाइट्स कैसी आ रही थी, लाइट्स की शेडो ज़्यादा तो नहीं आ रही थी ना? ऑलमोस्ट 3 घंटे मैंने इसको अभी ड्रॉ किया, अभी 2:15 बज रही होगी। मैंने प्यूडीपाई को ड्रॉ किया तो काफ़ी लोग मुझे हेट कर रहे थे इंस्टा पे, मैंने वर्क इन प्रोग्रेस करके डाला था तो कह रहे थे ड्रॉइंग तो काफ़ी अच्छी है बट बंदा बेकार है। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे काफ़ी मस्त लगती है इनकी वीडियोज़, बट ऐसे उल्टा सीधा मत लिखा करो कमेंट में कि ये ऐसा है ये ऐसा है, सब बढ़िया है। और जैसे कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था आजकल, ड्राइंग फुल नाइट वाली की थी मैंने और ड्राइंग कमीशन वर्क फुल नाइट वाली की थी मैंने, तो उसमें भी काफ़ी लोग हेट कर रहे थे मुझे कि नौटंकी कर रहा है क्या कर रहा है। तो यूजली गाइस मैं डेली रात को ड्रॉ करता हूँ, 2-3-4 मैं पहले से, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा क्योंकि मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ वहाँ पे बहुत पहले से। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो के लिए ओनली जाग रहा हूँ, मतलब ओनली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं डेली जागता हूँ। भाई तो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, वैसे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और इजी नहीं है रात भर जा कर ड्राइंग करना, ट्राई करके देखना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नींद आ जाती है। मेरे को पैशन है, मेरे को अच्छा लगता है मेरे को ये काम, तो इसीलिए मैं जाग पाता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रह के रात भर काम कर पाता हूँ। अभी भी टाइम हो रहा है तो अभी देख लो 2:30 बज रहे हैं, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 3 घंटे काम किया, आधा घंटा मैं मान लो रेस्ट किया हो बीच में पेंसिल शार्प या फिर कुछ, तो मैंने इसको लगातार 3 घंटे तो इसको ड्रॉ किया और 3 घंटे में फाइनली कंप्लीट हो गया। किसी वर्क को हम सोचते हैं कि ये कम टाइम में होएगा और उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और किसी वर्क को हम सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ये मैंने A3 साइज़ का बनाया, 3-4 दिन लग गए बनाने में। तो हाँ गाइस फिलहाल अभी का तो सीन ये है, ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं इसकी वीडियो को अब कल अपलोड कर पाऊंगा। तो हाँ गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई है तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बस देखते रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।